हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग बात करने वाले हैं विच आर दी बेस्ट कॉलेजेस टू डू योर बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम, एंड ऑल ओवर इंडिया के जो कॉलेजेस हैं जो कि टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं, मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आप मुंबई से हैं या फिर नवी मुंबई से हैं तो मैंने इसके ऊपर एक पहले ही वीडियो बना दिया है स्पेसिफिकली फॉर दिस रीजन, जहाँ पर मुंबई और नवी मुंबई के बेस्ट कॉलेजेस मैंने बताए हैं। लिंक ऊपर दी हुई है, सो गो क्लिक ऑन द लिंक एंड हैव अ लुक एट दैट वीडियो। एंड गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। मैं इसी तरीके से आर्किटेक्चर रिलेटेड कॉन्टेंट बनाते रहता हूँ, और कंसिडर सपोर्टिंग अ फेलो आर्किटेक्ट यार। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मेरा नाम है सारांश सिंह एंड वेलकम टू माई चैनल आर्की ब्लॉग्स। सो गाइज, अगर हम लोग बात करते हैं बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में तो भी अगर हमने इसके अंदर IIT को इंक्लूड नहीं किया तो कैसे बात बनेगी। सो इसके अंदर स्पेसिफिकली दो IITs काफ़ी फेमस है, एक है IIT खड़गपुर और एक IIT रुड़की। ये दोनों IITs काफ़ी फेमस है फॉर देयर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, सो यू कैन हैव अ लुक एट इट। एंड इसमें एंट्री के लिए आपको ऑब्वियसली JEE क्रैक करना पड़ेगा एंड विथ अ गुड, वेरी गुड परसेंटेज। सो एनीवेज, ये टॉप पे है हमारे। इसके बाद जो आता है वो है हमारा SPA दिल्ली। SPA दिल्ली इज़ क्वाइट फेमस एंड क्वाइट रिनाउंड फॉर आर्किटेक्चर, एंड सो येस, यू गाइज कैन गो हैव अ लुक। मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौन से एग्ज़ाम्स लगते हैं, कैसा कौन सा एंट्रेंस में कितना परसेंटेज लगता है, ये सारे डिटेल्स मैंने उस लिंक में आपको मिल जाएंगे। सो मैं उसमें मैंशन करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एंड इसके बाद जो यूनिवर्सिटी आती है वो है सेप्ट यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने पहले भी मैंशन किया है अपने दूसरे वीडियोज़ में, जो कि है अबाउट द बेस्ट कॉलेजेस फॉर मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर। सो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। एंड इसमें एंट्री के लिए भी आपको नाटा के परसेंटेज लगेंगे एंड यू शुड हैव अ गुड ओवरऑल परसेंटेज फॉर दैट। सो ये हो गई सेप्ट की बात। सेप्ट एक्चुअली मास्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, सो अगर जो मास्टर्स में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। येस, ये मुंबई के अंदर ही है एंड इसमें भी एंट्री के लिए आपको जो एवरेज परसेंटेज है या फिर एवरेज जो मार्क आता है आपका, वो आपको काफ़ी हाई लगेगा। एंड अगर आप ओपन कैटेगरी में हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस कॉलेज में एंट्री के लिए, बिकॉज रिजर्व सीट भी है काफ़ी सारी इसके अंदर। इसके बाद आता है NIT त्रिची और NIT कैलिकट। काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, काफ़ी वेल नोन है फॉर इट्स आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, सो यू गाइज कैन गो एंड हैव अ लुक। लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, सो डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक कर लेना मेरे वीडियोस का। एंड और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि और कॉलेजेस नहीं हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूँ। और जितने भी जो कॉलेजेस हैं आगे, तो मैं टोटल 10 से 15 कॉलेजेस के लिस्ट जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू गाइज कैन गो एंड हैव अ लुक। एंड ये वीडियो स्पेशली मुझे इसलिए बनाना था कि आई वॉन्टेड टू गाइड यू ऑल कि किस तरीके से अपने कॉलेजेस को चूज़ करें। सो टिप नंबर 1 ये होगा हमारा कि आप लोग देखो कि पहले ये कॉलेज एस्टैब्लिश कब हुआ था, एंड फिर देखो कि ये कॉलेज अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं, जैसे NASA होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं, एंड कौन कौन से अवार्ड जीते हैं इस कॉलेज ने। आपको ऑनलाइन ये सारी इंफॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। सो ये आपका पहला टिप होता है कि आप लोग को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। सेकेंड टिप ये है कि अगर आपको और अच्छा रिव्यूज चाहिए तो ऑलवेज ऑलवेज अप्रोच अ स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज। एंड ये कैसे अप्रोच करेंगे, अगर आपका कोई पहचान का नहीं है उस कॉलेज में, सो वॉट यू शुड डू इज गो ऑन LinkedIn, ओपन एन अकाउंट अगर नहीं है तो आपका, या फिर Facebook पे जाओ और सर्च करो वो कॉलेज एंड सी उसके अंदर मेंबर्स कौन कौन है, या फिर कोई स्टूडेंट हो या फिर एक्स स्टूडेंट हो उस कॉलेज का, उसको मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। डोंट स्पैम देम बट एटलीस्ट आस्क देम कि लाइक यू नो हाउ इज़ दिस कॉलेज, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग
एडमिशन इन दिस कॉलेज, शुड आई गो अहेड विद इट। इस तरीके से आप बात करोगे तो इट विल बी रियली गुड फॉर यू कि आपको इनसाइट मिलेगा उस कॉलेज में कि प्रोफेसर्स कैसे हैं, टीचिंग कैसी है, बाकी ओवरऑल कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था लोगों का। सो इस तरीके से आपको रिसर्च करना है। अब मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से आपको कितना ही बता सकता हूँ, सो द बेस्ट थिंग इज़ कि मैं आप लोगों को टिप दे दूँ कि किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। एंड इसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कॉलेज के पास रह नहीं सकते, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं या फिर आप पीजी में नहीं रहना चाहते हैं और आपको ट्रैवल करना है, सो डोंट एवर चूज़ अ कॉलेज जो कि आपके प्लेस से या फिर आपके घर से 1.5 घंटे से ज़्यादा दूरी पर है। आई वुड सजेस्ट कि डोंट डू दैट। इसके वजह से काफ़ी अफेक्ट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट भी है ना तो भी आपको प्रॉब्लम होगी परफॉर्म करने में, एंड इट गेट्स टू यू यार, तुम्हारे मेंटल स्टेटस को हिला देता है वो। सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि बहुत ज़्यादा दूर का कॉलेज मत चूज़ करना। अगर चूज़ कर रहे हो तो मेक अ पॉइंट कि आप वहाँ पर रहें, आसपास रहें, कहीं 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे पीजी में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग अपार्टमेंट लेके रहें। सो दैट विल बी द बेस्ट थिंग इफ़ यू कैन डू दैट। और आई थिंक सो ये 3 टिप है जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका कॉलेज कैसा होगा कैसा नहीं होगा। आप गूगल रिव्यूज़ देख सकते हैं। आप सबसे बेस्ट चीज़ तो है कि आप लोग बात करिए लोगों से कि कैसा है ये कॉलेज। मैं भी इनफैक्ट इसी तरीके से अपना रिसर्च करता हूँ। सब चीज़ हम लोग ऑनलाइन या गूगल करके नहीं बता सकते बिकॉज काफ़ी सारी वेबसाइट होती हैं, उनके रिजल्ट्स भी बहुत वियर्ड होते हैं। हर बार ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको पेड प्रमोशन करके बोला गया है कि ये कॉलेजेस को टॉप पे रखो या फिर ऊपर रखो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एनीवेज आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, डू योर ओन रिसर्च। Ask people, ask specially people who have done their architecture from that college. College जाके visit भी कर लो यार, उसका vibe लो and feel how it is. So this is how you should go ahead with it. And I think so, ये video मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, इसी पर end करता हूँ। और guys, अगर आपने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please consider subscribing to my channel. And अगर आपको किसी भी तरीके के doubts हैं या फिर क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा मेंशन कर सकते हैं, एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स एंड ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। सो सपोर्ट अ फेलो आर्किटेक्ट। एंड गाइस, इसी नोट पे आई विल एंड दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।